जय हिंद साथियों, देश में काफी समय से सेना भर्ती रैली और एग्जाम बार बार पोस्टपोन किए जा रहे हैं, जिसके चलते युवा बेहद परेशान है। लेकिन अभी दो दिन पहले सोशल मीडिया पर जो पत्र सेना भर्ती एग्जाम को लेकर वायरल हुआ है, उसने युवाओं की बेचैनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, या यूं कहें उनकी उम्मीदों को धराशायी कर दिया है। इस पत्र को देखने के बाद कुछ युवा तो बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में आ गए हैं और वो सुसाइड करने तक की बातें भी कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में युवाओं ने हमें भी यह पत्र भेजकर इसका पूरा सच जानने की बात कही है। देखिए साथियों, यह वो पत्र है जो पिछले दो दिन से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में बताया जा रहा है कि सेना भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। इस पत्र में यह भी बताया गया है कि 31 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है, और फिर इसके नीचे पत्र में नीचे लिखा हुआ है कि अब भर्ती की अवधि पूरी होने के कारण आपको दौड़ और चिकित्सा चेकअप से वापस गुजरना होगा। यानी इस पत्र में जो लिखा गया है उसका मतलब यह है कि आपको 1600 मीटर दौड़ सहित अन्य तमाम प्रक्रियाओं के बाद मेडिकल चेकअप से भी गुजरना होगा, यानी कि यह भर्ती पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। देखिए साथियों, आपको बता दें कि यह पत्र पूरी तरह फेंक है। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि भर्ती रद्द हो जाए। आज सेना भर्ती रैली और एग्जाम नहीं होने से युवा पहले से ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई है जो एडिटिंग वगैरह कर लेता है और वो इन युवाओं को बुरी तरह से परेशान करने पर तुला है। बार बार ऐसे फेक लेटर वायरल कर युवाओं की बेचैनी, उनकी परेशानी बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि इस तरह की झूठी खबरें वायरल करने वाला व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति में आता है, और इसके लिए उसे जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है, क्योंकि जिस दिन वो पकड़ में आ जाएगा तो उसके सारे किए कराए का हिसाब किताब किया जाएगा। और हाँ, अगर कोई युवा साथी ही इस काम को जाने अनजाने में कर रहा है, उसे पता नहीं है और वह गलत कार्य कर रहा है, तो हम उसे सावधान करना चाहेंगे और उसे बताना चाहेंगे कि भाई ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके लिए बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए साथियों, आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इन दिनों हम आपको कुछ खबरें देरी से बता पा रहे हैं। उसका कारण है कि मेरी 3 साल की बेटी अनु पिछले 2 सप्ताह से बुखार, खांसी और जुखाम आदि समस्या से परेशान है, और उसको लेकर मैं पूरी तरह परेशान हो जाता हूँ। घर में जब बच्ची मस्ती ना करे और बीमार होकर कोई बच्चा चुपचाप पड़ा रहता है तो कोई काम करने को मन नहीं होता। बेटी का इलाज चल रहा है, बुखार आते ही उसे डॉक्टर को दिखाया, दवा दिलाई और बुखार उतर गया। उसे फिर 3-4 दिन बुखार नहीं रहा। हाँ, खांसी और जुखाम यह उसको थे, इसलिए मैंने उसकी जांच वगैरह नहीं कराई। लेकिन इसके 4 दिन बाद उसे फिर से धीमा धीमा बुखार आने लगा और खांसी जुखाम उसे पहले से ही थे। ऐसे में मेरी थोड़ी सी टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि इन दिनों आपको भी पता है कि डेंगू का कहर चल रहा है। लेकिन साथियों, खुशी की खबर यह है कि फाइनली आज मेरी बेटी की डेंगू जाँच रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, जिससे मुझे कुछ राहत मिली है, मेरी टेंशन खत्म हुई है। हालांकि अभी डॉक्टर ने उसे कुछ इन्फेक्शन बताया है जिसका इलाज चल रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए, और आप सभी भी बेटी के लिए प्रे करें। तो जो साथी कह रहे थे कि आप खबरें समय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद अब उन साथियों को मेरी समस्या पता चल गई होगी। साथियों, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको सभी खबरें समय पर दी जाएं, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियों के चलते हम लेट हो जाते हैं। और हाँ, आखिर में आपको एक बात और बता देते हैं कि एग्जाम और रैली शुरू कराने को लेकर अगर आप सभी संगठित होकर ट्विटर पर कैंपेन में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कैंपेन के लिए तैयार हैं, तो हम एक बार फिर से डी न्यूज भारत ट्विटर पर कैंपेन चलाएंगे, आपकी सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने की मांग उठाएंगे। इसलिए जिन साथियों ने अभी तक भी हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, तो अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डी न्यूज भारत को ट्विटर पर फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।